नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जीजा साली का रिश्ता सवालों के घेरे में आया है। बताया जाता है कि पत्नी की मायके से विदाई नहीं होने पर जीजा ने अपनी नाबालिग साली को ही लेकर चला गया। घटना बिहार के छपरा गरखा थाना के उत्तर कदना गांव की है। जीजा द्वारा अपनी ही साली को लेकर जाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने गरखा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें दामाद के खिलाफ शिकायत की है। दर्ज प्राथमिकी में लड़की के पिता ने कहा कि उनके दामाद ने कुछ दिनों पहले धमकी दी थी। धमकी में उन्होंने कहा था कि अगर उसकी पत्नी की विदाई नहीं की गई तो वो उनकी छोटी पुत्री से शादी कर लेगा। इस पर लड़की के पिता ने कहा कि बेटी के साथ अक्सर मारपीट होती है तो मैं उसे कैसे विदा करूं। इसी बीच उनकी छोटी बेटी शौच करने खेत की तरफ गई लेकिन काफी देर बाद भी वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उनका दामाद उनकी पुत्री को बाइक पर बैठा कर ले गया। प्राथमिकी में शादी की नियत से उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिए जाने की बात कही गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से शादी समारोह का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां जयमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे पर थप्पड़ बरसा दिए। इसे देख वहां मौजूद सभी मेहमान हैरान रह गए। इतना ही नहीं, बारातियों की भी पिटाई करने की खबर आई है। ये मामला हमीरपुर जिले के ललपुरा थाना इलाके की है जहां शादी के पहले जयमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे पर चांटे जड़ दिए। दूल्हे पर थप्पड़ों की घटना के बाद घरातियों ने भी बारातियों को जमकर पीटा। बाराती जान बचाकर किसी तरह भाग निकले। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद लोगों ने बारातियों और घरातियों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। ये बारात जिला जालौन के आटा इलाके से हमीरपुर जिले के थाना ललपुरा इलाके के स्वासा में आई थी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया। नमस्कार।